नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस पर। एक और बेहतरीन वैकेंसी रेलवे की तरफ से जारी कर दी गई है। बहुत सारे बच्चों को इंतजार था इस वैकेंसी का। आइए देखते हैं सारा इसके बारे में जो शॉर्ट नोटिस आया है, और डिटेल में भी जानते हैं कि इसमें कौन एलिजिबल होगा, एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है, कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है और कौन इसकी तैयारी कर सकता है। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में अगले 5-7 मिनट में सबको समझने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आइए समझते हैं कि ये किसकी वैकेंसी अभी रेलवे की तरफ से आई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस पोस्ट ऑफ पैरा मेडिकल कैटेगरीज। तो पैरा मेडिकल कैटेगरीज के यहाँ पे पोस्ट आ गए हैं और इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट जो हो रहा है वो आपको मैं बता दूं कि ये कब से हो रहा है, 17/8/2024 से हो रहा है। सभी भाई यहाँ पे ध्यान देंगे कि 17/8/2024 से इसका हो रहा है और जो क्लोजिंग डेट है वो 16/9/2024 होगा। इसमें तमाम पद निकले हैं, जैसे डाइटिशियन का है, डाइटिशियन का ये पे लेवल 7 का होता है, 44,900 इनिशियल पे होता है, मेडिकल स्टैंडर्ड C2 मांगता है, एज आपका 18 से 36 मांगता है। टोटल वैकेंसीज इसके लिए कितनी आई हैं, 5 आई हैं। सबसे ज्यादा है नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, इसमें पदों की संख्या देखेंगे तो 713 पद हैं। 20 से 43 साल इसमें एज भी मांगा जाता है, 3 साल इसमें रिलैक्सेशन भी इस बार दिया जा रहा है, वैसे 20 से 40 साल ही होता है। लेवल 7 का है, 7 पे कमीशन के हिसाब से 44,900 है और मेडिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे C1 है। बाकी सब में 4-7 पद हैं। अगर हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर का आप देखेंगे तो 126 पद, ये भी बहुत अच्छा आपका पद माना जाता है मलेरिया इंस्पेक्टर का, और 126 पद यहाँ पे भी आए हैं, लेवल 6 का है यहाँ पे। और अगर आप ऐसे बात करोगे और भी चीजें मैं आपको दिखा दूं तो इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, 246 वैकेंसी अगर आप देखोगे तो 246 वैकेंसी आपकी फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड में आई है, लेवल 5 की है, ये 29,200 की है। और साथ में अगर देखा जाए जो बड़ी मेजर वैकेंसीज में है, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 की जो है 94 है, 18 से 36 इसमें एज मांगा है। कुल मिला के जो पद है 1376 है और सबकी एलिजिबिलिटी में एक एक करके आपको दिखा दे रहा हूं। इसकी जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो सारी चीजें ये डिटेल नोटिफिकेशन में देने को बात की हैं। अभी आप फिलहाल के लिए ये डेट नोटिस कर लो कि 17 अगस्त की बात किया है, मतलब कि अभी कम से कम 10-12 दिन बाद आएगा। बट एक बार हम लोग पुराने नोटिफिकेशन से डिटेल में सारी जानकारी ले लें तो सारी जानकारी के हिसाब से आपको जो यहां पे पता चल रहा है, ये आपका जो पिछली बार पैरामेडिकल कैटेगरीज का पोस्ट का आया था, इसमें आपका ये 2019 का आया था, हमें उससे मतलब नहीं है। ये वो सारी चीजें हैं कि डिटेल्स ऑफ वैकेंसी, पिछली बार आपकी 1900 कुछ थी, इस बार 1700 थी, तो लगभग पिछली बार वैकेंसीज के बराबर ही वैकेंसीज है, वैकेंसी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है पिछली बार और इस बार वैकेंसी का अगर बात किया जाए तो। और इसमें भी आप देखो तो सबसे ज्यादा पिछली बार भी स्टाफ नर्स में था, इस बार भी स्टाफ नर्स में सबसे ज्यादा है। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर में पिछली बार भी ज्यादा था, इस बार भी इसमें ज्यादा है। ऐसे फार्मासिस्ट में पिछली बार भी था, और अगर बात किया जाए तो पिछली बार लैब असिस्टेंट में ज्यादा था। तो यही 4 पद जो होते हैं ये मुख्य पद माने जाते हैं। आते हैं इनकी एक एक बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या होती है, कौन बच्चा इसके लिए आवेदन कर सकता है और इसमें क्या क्या मांगता है, ये सारी चीजें देखते हैं। तो एज ग्रुप आपका 18 से 30, 18 से 35 अलग अलग का यहां पे दिया गया हुआ है, और ये आपका लोअर बाउंड पिछले हिसाब से था, ये इस बार बदल जाएगा, इस पे ध्यान मत दीजिएगा। ये आपका क्या है एज ग्रुप, और रिलैक्सेशन आपको इस प्रकार से दिया जाएगा। इसका जब डिटेल नोटिस आएगा तो मैं एक बार आपको और भी अच्छे तरीके से सारी चीजें समझा दूंगा। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें अब एज तो आप लोग समझ गए, किसी में आपका 18 से 30 मांगा है, किसी में 20 से 40 मांगा है, 30 रिलैक्सेशन मतलब 20 से 43 मांगा है। और अगर हम लोग आए कि इसमें कौन एलिजिबल है, एजुकेशनल जो एलिजिबिलिटी होती है उसकी अगर बात करें तो एक बार हम लोग इसके एनेक्शन में आते हैं ताकि ये देख लें कि कौन से पद के लिए कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है, जोनल वाइज इसकी वैकेंसीज क्या होती हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहां पे थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं। ये तमाम उनके फॉर्म्स वगैरह हैं, ये है वो। और अगर आप देखोगे तो जैसे डाइटिशियन है, डाइटिशियन में 44,900 है और इसमें क्या मांगता है, इसमें आपका बीएससी साइंस, अगर आप देखोगे बीएससी साइंस होना चाहिए यहां पे, विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायटिक्स होना चाहिए, ठीक है, वो भी 3 मंथ का इंटर्नशिप ट्रेनिंग के साथ होना चाहिए। या फिर अगर बीएससी कोई होम साइंस वाला है प्लस एमएससी होम साइंस, तो होम साइंस वाले जो बच्चे हैं डायटिशियन वाले पद पे, क्योंकि ऐसा बीएससी जो साइंस होता है, बीएससी साइंस सिंपल लिया है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें, डायटिशियन में होना चाहिए, डायटिक्स में होना चाहिए, तो ये बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होता है। लेकिन बीएससी होम साइंस, एमएससी होम साइंस वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं, जो फूड एंड न्यूट्रिशन से बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। इसमें जो अपर एज है वो 33 है, 18 से 33 वाले भर सकते हैं। स्टाफ नर्स जिसमें सबसे ज्यादा पद है 44,900, बहुत अच्छी वैकेंसीज भी है, 20 से
40 यहाँ पे देता है, लेकिन यहाँ पे 3 साल रिलैक्सेशन है, तो 3 साल रिलैक्सेशन के साथ ये क्या हो जाएगा 40 से 43 हो जाएगा। और इसमें आपका क्या चाहिए होता है, सर्टिफाइड एंड रजिस्टर्ड नर्स। ये सर्टिफाइड एंड रजिस्टर्ड नर्स या मिडवाइफ जो होती है वो इसके लिए कर सकती है, प्लस 3 इयर्स कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। 3 साल का क्या होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए। एएनएम वाली जो बच्चियां होती हैं वो इसके लिए बहुत बेहतरीन आपके लिए स्टाफ नर्स का यहाँ पे निकला है। या फिर बीएससी आपका नर्सिंग होना चाहिए, तो कोई बीएससी नर्सिंग है तो वो भी रेलवे में स्टाफ नर्स बन सकता है। लेवल 7 की जॉब है, तो आप समझ सकते हो कि पीसीएस कैडर की जॉब होती है। अगर हम लोग पीसीएस स्टेट पीसीएस से मिलाएं तो पीसीएस कैडर की जॉब ये होती है, ये बात ध्यान दीजिएगा। लेकिन क्योंकि स्टाफ नर्स है तो लोग इसे उतना बड़ा मानते नहीं है, बट बहुत बेहतरीन पद होता है, इस बात को आप समझते हुए चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल हैज आल्सो लेड डाउन सर्टेन स्पेशल कंसेशन फॉर द एवअप कोर्सेस। ये हम आपको आगे समझा देंगे, अभी आप बस इतना समझिए बीएससी नर्सिंग वाले भर सकते हैं। डेंटल जो हाइजीनिस्ट है इनका क्या होना चाहिए, डिग्री इन साइंस होना चाहिए अगर बायो एज अ सब्जेक्ट है, मतलब बीएससी आप बायो से ये हो तो आप कर सकते हैं। या डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर 2 साल का है किसमें, हाइजीन में है, या फिर रजिस्टर्ड विद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया डेंटल हाइजीनिस्ट अगर है और 2 साल का, ये सब एंड है, ये होना चाहिए। प्लस आपका 2 साल का क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस आपका क्या होना चाहिए, आपका इसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए और साथ में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें सीटें भी कम होती हैं, तो यहाँ पे बच्चों का आवेदन भी कम रहता है, बहुत सारे बच्चे मिल नहीं पाते हैं। अगर डायलिसिस टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पे बीएससी होना चाहिए, बीएससी में हेमोडायलिसिस में क्या होना चाहिए, आपका डिप्लोमा होना चाहिए, तो वो लोग इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। या फिर 2 ईयर सेटिस्फैक्ट्री इन हाउस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इन हेमोडायलिसिस, अगर ये आपके पास क्या है, सर्टिफिकेट है, तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक्सटेंशन एजुकेटर में देखें तो यहाँ पे सोशियोलॉजी वाले बच्चे, सोशल वर्क वाले बच्चे जो ग्रेजुएशन किए हैं विद 2 इयर्स डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेशन जो है वो भर सकते हैं। इसमें जो एज मांगा गया है वो अपर एज 35 है, मिनिमम 22 है। ये मलेरिया वाला इंपॉर्टेंट पद है, तो इसके लिए आप देखोगे इसमें बीएससी मांगा है वो भी केमिस्ट्री एज अ मेन, आपका केमिस्ट्री मेन मांगा है, बाकी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वाइल अंडरटेकिंग द कोर्स, प्लस 1 ईयर डिप्लोमा ऑफ हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। 1 साल का आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपका 1 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनटीसी सर्टिफिकेट बहुत सारे बच्चों के पास होता है, तो वो लोग इसमें क्या कर सकते हैं, वो लोग इसमें भर सकते हैं। लैब सुपरिंटेंडेंट जो आपका ग्रेड 2 होता है इसमें बीएससी होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री से, माइक्रोबायोलॉजी से, ये बीएससी विद केमिस्ट्री से, इसमें भी एज आपका 18 से 33 मांगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। साथ में ऑप्टोमेट्रिस्ट की अगर देखा जाए तो यहां से बीएससी इन ऑप्टोमेट्री और डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्रिक टेक्नीशियन होना चाहिए। द कोर्स शुड बी 3 से 4 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग परफ्यूशनिस्ट का देखें तो ये भी लेवल 6 का है, 35,400 इनिशियल पे, और अगर यहां पे देखा जाए तो ये 21 से 40 साल एज है, ये मेडिकल स्टैंडर्ड और इसमें बीएससी होना चाहिए विथ डिप्लोमा इन परफ्यूशन, या फिर बीएससी होना चाहिए और 3 साल का क्या होना चाहिए, कार्डियोपल्मोनरी पंप टेक्नीशियन का क्या होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट में क्या होना चाहिए, फिजियोथेरेपी से डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 33 इसमें एज मांगा है। फार्मासिस्ट ग्रेड 3 यहां पे भी वैकेंसीज ठीक ठाक हैं, लेवल 5 की जॉब है और 29-20 से लेके 35 प्लस 3 साल आप लोग जोड़ लीजिएगा, और इसमें केवल 12th वाले बच्चे भर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि 12th वाला बच्चा इसके लिए इक्विवेलेंट है विथ डिप्लोमा इन फार्मेसी, लेकिन फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए, 10+2 इन साइंस, मतलब साइंस 12th में साइंस होना चाहिए और फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री अगर कोई पर भी फार्मा वाला है तो इसके लिए क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। रेडियो जो ग्राफर होते हैं, रेडियोग्राफर के लिए भी 10+2 फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ होना चाहिए एंड डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी एक्सरे होना चाहिए, प्लस रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी 2 इयर्स कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ठीक है। साइंस ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, अगर कोई साइंस ग्रेजुएट है और रेडियोग्राफी में उसका डिप्लोमा है, एक्सरे टेक्नीशियन का है, रेडियो डायग्नोसिस का है, 2 ईयर कोर्स होता है ये, तो वो भी क्या कर सकता है, भर सकता है। 19 से 33 यहाँ पे एज है, 3 साल का रिलैक्सेशन आप लोग इसमें जोड़ लीजिएगा। तो ये आप बहुत बेहतरीन पद आप सभी के लिए आए हैं। इसमें आपका क्या होता है, जो पेपर होता है वो CBT 1 पेपर होता है ना, पेपर जो होता है वो CBT 1 होता है, मतलब केवल एक ही CBT होती है, सिंगल स्टेज एग्जाम होता है, और इसी बिहाफ पे आपका क्या हो जाता है, इसी बिहाफ पे आपका पेपर हो जाता है। क्या पूछता है एक बार मैं आपको बता दूं कि इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, वो एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूं ताकि आपको एक बार आइडिया लग जाए। तो इसमें आपसे पूछता कैसा है, इसमें आपसे जनरल अवेयरनेस 10 नंबर पूछता है, आपसे अरिथमेटिक जनरल इंडियन रीजनिंग और मैथ 10 क्वेश्चन पूछता है, साइंस 10 क्वेश्चन पूछता है, 70 क्वेश्चन आपका क्या होता है, प्रोफेशनल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछता है, आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा, ये आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। तो एक ही आपका CBT होने वाला है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ओनली 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, एक ही आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, इसमें वो 120 मिनट आपको दिए जाते हैं, 90 मिनट दिए जाते हैं, 120 मिनट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, 100 क्वेश्चन इसमें होता है, 70 10 10 10,
70 क्वेश्चन आपके क्या होता है, 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होता है और 10 आपका जनरल अवेयरनेस, 10 मैथ साइंस, 10 मैथ और रीजनिंग और 10 साइंस होता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए चलिएगा। 1/3 इसमें निगेटिव होता है और बाकी इसका जो सिलेबस है, सिलेबस इसमें नॉर्मलाइजेशन वगैरह तो होगा ही अगर मल्टीपल शिफ्ट में होंगे, यहां पे सिलेबस वगैरह भी आगे मैं आपको दिखा दूंगा। ये सारी चीजें आप लोग दिमाग में रखते हुए चलिएगा। इसमें एनेक्शन में मेरे ख्याल से इनका जो सिलेबस है वो दिया हुआ है। सिलेबस मैं आपको परीक्षा प्लस व्हाट्सएप चैनल पे या फिर आप परीक्षा प्लस टेलीग्राम चैनल पे या फिर आप परीक्षा प्लस ऐप से इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो आपका सिलेबस है वो आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहां पे दिया नहीं हो, वो किसी एनेक्शन में ही दिया होगा। इसे मैं आपको आगे चल के दिखा दूंगा, वरना ये वीडियो क्या हो जाएगी, वीडियो हो जाएगी आपकी बहुत लंबी, फिर आप इसे देखना पसंद नहीं करोगे। तो अभी अगर एक बार जोन वाइज वैकेंसीज कैसे आती हैं उनका अगर ब्यौरा देखना है तो जोन वाइज वैकेंसीज इस प्रकार से आती है। जैसे अहमदाबाद में जरूरी नहीं है कि एक ही जोन में सारी वैकेंसीज हो, जोन वाइज वैकेंसी आपकी अलग अलग आएगी, लेकिन यह आपका जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी मैं आपको इसके बारे में कोई बिल्कुल एग्जैक्टली आपको बता पाऊंगा कि जोन वाइज कहां पे कौन सी वैकेंसी है। सिलेबस अगर आप देखोगे तो डाइटिशियन का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये डाइटिशियन का है, ये स्टाफ नर्स का है, ये आपका डेंटल हाइजीनिस्ट का है, डायलिसिस टेक्नीशियन का है, ये आपका एक्सटेंशन एजुकेटर का है, ये आपका हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर का है, ये लैब सुपरिंटेंडेंट का है, ऑप्टोमेट्रिस्ट का है, ये आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ऐसे परफ्यूशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट ग्रेड 3, रेडियोग्राफर, स्पीच थेरेपिस्ट, ईसीजी टेक्नीशियन, लेडी हेल्थ विजिटर और लैब असिस्टेंट, इन सबके पद क्या है, इन सबका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लोगे तो सबका सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो एक बेहतरीन वैकेंसी आपके सामने है, उम्मीद है इससे आप लोग बहुत खुश होंगे। वीडियो पसंद आए तो मुझे वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।